हेलो एवरीवन, आई एम पूजा त्रिवेदी। कुछ अपने विचार आपसे शेयर करना चाहती हूँ इन दिस लॉकडाउन। कितने सारे सवाल मुझे मिले कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हमें पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए। इस विषय पर आज मुझे लगा कि लेट मी स्पीक आउट एंड इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम बीइंग इन एयर। So it's my first experience and whatever thoughts I have जो मेरे पास है वो मैं share करना चाहूंगी आपसे। आज एक ऐसा माहौल है जहाँ पे हम चार दीवारों में कैद हैं और हम कुछ भी नहीं जानते, सब कुछ जानते हुए भी, और कुछ अनजान भी है जहाँ हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। और इस परिस्थिति में हमारे अंदर सैकड़ों विचार चल रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, पर एक बिंदु ऐसा है जहां पे हम इसको एक लगाम डाल सकते हैं। और ये लगाम है क्या? दैट इज समथिंग अबाउट पॉजिटिविटी। वो एक पॉजिटिविटी की ऐसी लगाम है जो हम चाहें तो हम इस कदर लगा सकते हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स को कि वो दोबारा पलट कर आपको देखेंगी नहीं। सुनना, व्हाट इज इट? कई तरह की अफवाह होती है, कई तरह की बातें होती है जो हम अपने ही घर में एक दूसरे से करते हैं। और उसके पहले, एक दूसरे से करने से पहले क्या होता है, हमारे मन के अंदर ही इतना सारा बवंडर उठता है कि ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो, किसी ने मुझे छू लिया तो, मुझे कोरोना हो गया तो। बट ये सब चीजें आती कहां से है आपके दिमाग में? इट इज ऑल योर ब्रेन दैट गिव्स बर्थ टू दीस काइंड्स ऑफ थॉट्स। पर इसका एक और भी हिस्सा है जो हम नहीं जानते या जानते हुए भी हम इसको अनदेखा करते हैं, दैट इज पॉजिटिविटी। Brain gives birth to both positivity and negativity. It is now up to us कि हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं। Now to give it an example, like say neem. Neem है क्या? Neem एक पेड़ है जो घटादार वृक्ष है, जिसकी छाया बहुत शीतल होती है, पर उसको बड़ा होने में कई साल लग जाते हैं। ये भी सच है, पर एक ऐसा भी है बात कि जब हम इसका बीज बोते हैं तब जाके वो एक पेड़ बनता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी अगर बात करें इसके बारे में, तो अगर हम नीम का स्वाद चखते हैं तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हाय राम, ये क्या पी लिया मैंने, ये तो मुक्ति कर देगा, दोबारा मेरे को देना मैं कभी भक्ति मैंने नहीं पीना ये। पर अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आके हमें इसके बारे में जानकारी देता है, इसके औषधीय गुणों के बारे में हमें बैठ के प्यार से समझाता है, और उसके बाद हम ये तय करते हैं कि हाँ इसके तो इतने सारे औषधीय गुण है तो हमें इसको रोज पीना चाहिए या इसका इस्तेमाल कुछ इस कदर करना चाहिए कि हम इस औषधि से सेहतमंद बने रहें। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, व्हाट इज दिस डिफरेंस? नाउ दैट सम एल्डरली पर्सन केम एंड एक्सप्लेन्ड अस अबाउट इट, सो हु इज दिस एल्डरली पर्सन? नाउ दिस आई वुड टर्म इट इन टू टू फेसेस। दिस इज you, your own mind, that is the creator of positivity, that is the motherboard of positivity. एक ये इंसान है जो आपको बताता है कि ये पॉजिटिव है, और दूसरा है there is a direction, that is a diversion, who is given by different people at different moments or even some situations, जो आपको इस पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ती है। So what is this? Motivational speakers. What is this? This is your own motherboard of brain that has given you the direction, or be it
सिचुएशन जो सबसे बड़ा गुरु है इस जगत में, जो हमें हर चीज की सीख देता है, हर परिस्थिति में हमें आगे कैसे बढ़ना है वो सिखा रहा है। नाउ टू डिस्क्लोज इट इन अ मोर इजियर वे, व्हाट डू वी डू व्हेन वी मिक्स शुगर इन द वॉटर, व्हाट डू वी सी? वी पोर वन स्पून शुगर इन वन ग्लास, यस। सो व्हाट डिड वी सी? वी सॉ वॉटर एंड शुगर बोथ इन अ ग्लास, बट आफ्टर सम वाइल व्हाट आर वी एबल टू सी? ओनली द ट्रांसपेरेंट वॉटर। सो व्हाट इज दिस ट्रांसपेरेंट वॉटर नाउ? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ प्लेन वॉटर एंड शुगर। सो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स दैट व्हाट यू एड इन टू अ प्लेन वॉटर, इट गिव्स यू द सेम टेस्ट, बट इट इज इन सीन दैट द वॉटर इज स्वीट और द वॉटर इज बिटर। वी कांट सी द वॉटर इज स्वीट और बिटर, वी जस्ट नीड टू टेस्ट इट वंस। सो दिस इज द थिंग वेयर वी नीड टू पिक अवर ओन प्लाउ एंड वी नीड टू डिग अ स्पेसिफिक सोइल विच इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी विच वी ऑलरेडी हैव विद इन अवर सेल्स। And this is the plow that is going to harvest you infinite amount of good results, or I would say a wide field of positivity that is filled of good thoughts, that is filled of good vibrations, that is filled of a huge positive frequency that is going to multiply into leaps and bounces, that is going to create a non-stop cycle of success. I hope you people would have enjoyed this, a word of positivity in this lockdown. Thank you all of you. Once again, we'll be meeting soon.